खबर देहरादून से है। उत्तराखंड की धामी सरकार की कैबिनेट का ऐतिहासिक फैसला हुआ है। जी हाँ, विस्थापित बंगाली समुदाय के जाति प्रमाण पत्र से कैबिनेट बैठक में हटाया गया पूर्व पाकिस्तानी शब्द। कलंकित शब्द हटाए जाने के संबंध में लंबे समय से मांग चल रही थी। सीएम धामी ने पूर्व में ही ऐलान किया था कि आगामी कैबिनेट की पहली बैठक में ही उधम सिंह नगर जिले में विस्थापित बंगाली समाज को जारी होने वाले जाति प्रमाण पत्र से पूर्वी पाकिस्तानी शब्द हटा दिया जाएगा। आपको बता दें, 16 अगस्त को धामी सरकार की पहली बैठक कैबिनेट की 3 बजे प्रारंभ हुई। 2 घंटे चलने के बाद ये निर्णय लिया गया कि उत्तर प्रदेश की तर्ज पर उत्तराखंड में भी बंगालियों के लिए जारी होने वाले जाति प्रमाण पत्र से कलंकित शब्द हटा दिया जाएगा, जिसके साथ बंगाली छात्र छात्राओं को मिलने वाली छात्रवृत्ति की स्थिति यथावत बनी रहेगी। बताते चले, सतारगंज क्षेत्र के भाजपा विधायक सौरव बहुगुणा के नेतृत्व में बंगाली समुदाय के जनप्रतिनिधियों ने देहरादून में सीएम से मुलाकात की थी। इससे पूर्व भी क्षेत्र के अन्य जनप्रतिनिधि लगातार पूर्वी पाकिस्तानी शब्द हटाए जाने के खिलाफ आवाज उठा रहे थे। लंबे समय से पूर्व पाकिस्तानी शब्द हटाए जाने के खिलाफ उत्तराखंड बनने से पूर्व से ही आवाज उठना शुरू हो गया। वहीं कैबिनेट के निर्णय के बाद क्षेत्र के बंगाली समाज के लोग बेहद खुश हैं। बताते चले, जनपद उधम सिंह नगर में 2 लाख से अधिक बंगाली समुदाय के लोग रहते हैं। कैबिनेट की बैठक में मुहर लगने के बाद देहरादून पहुंचे रुद्रपुर, सितारगंज, खटीमा, शक्ति फार्म, दिनेशपुर, नानकमता के हजारों बंगाली समुदाय के लोगों ने जश्न मनाना शुरू कर दिया। इस दौरान देहरादून पहुंचे बंगाली समुदाय के लोगों ने सीएम पुष्कर सिंह धामी सहित क्षेत्रीय विधायक सौरव बहुगुणा व धामी कैबिनेट का धन्यवाद प्रकट किया। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष कार्तिक राय ने कहा, खुशी है कि हमारे समाज के जाति प्रमाण पत्र में लगने वाला कलंकित शब्द पूर्वी पाकिस्तानी हमारी आने वाली पीढ़ियों को नहीं देखना पड़ेगा। कार्तिक राय ने कहा, सूबे की भाजपा सरकार मुख्यमंत्री धामी व क्षेत्रीय विधायक सौरव बहुगुणा व पूर्वी पाकिस्तानी शब्द हटाने के लिए जिन लोगों ने इस यज्ञ में आहुति दी, उन सभी का धन्यवाद। वहीं शक्ति फार्म के ही भाजपा नेता संजय बाछाड़ ने कहा कि वर्षों पूर्व पाकिस्तानी शब्द हटाए जाने की मांग सरकारों से कर रहे थे, लेकिन किसी ने नहीं सुनी। राज्य गठन से पहले भी लगातार बंगाली समुदाय के लोगों ने मांग। अब खुशी की बात है कि आज के बाद हमेशा हमेशा के लिए पूर्वी पाकिस्तानी शब्द दफन हो गया है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, मेरी सरकार ने जो आश्वासन दिया था आज हमने पूरा कर दिया। समस्त क्षेत्रवासियों को, बंगाली समुदाय के लोगों को शुभकामनाएं। सितारगंज विधानसभा, विधानसभा हमारे रुद्रपुर विधानसभा, सारे बंगाली समाज को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आज जो आपके जाति प्रमाण पत्रों में कलंकित शब्द लिख के आता था पूर्वी पाकिस्तान, वो उत्तराखंड कैबिनेट के द्वारा आज हटा दिया गया है। मैं माननीय पुष्कर सिंह धामी और पूरी कैबिनेट का, उत्तराखंड सरकार का धन्यवाद देता हूँ कि आपने बहुत समय से इनकी बंगाली समाज की मांगों को चल रही थी कि हटाना है सर, वो आज पूर्ण हुई है। मैं सारे बंगाली समाज के भाइयों बहनों को, बुजुर्गों को, माताओं को, युवाओं को बधाई देता हूँ कि आपका जो इतना पुराना संघर्ष था वो कहीं ना कहीं आज पूर्ण हो गया। उत्तराखंड सरकार ने आपकी आवाज़ सिर्फ सुनी नहीं, उस पर कार्रवाई करते हुए कलंकित शब्द को यहाँ आपके जाति प्रमाण पत्र से हटाने का आज आदेश दे दिया गया है। समस्त क्षेत्रवासियों, देशवासियों को और हमारे उत्तराखंड वासियों को बहुत बहुत शुक्रिया। आज बड़े खुशी के मौका है, हम लोग सचिवालय में है। अभी माननीय मुख्यमंत्री से हम लोगों की मुलाकात हुई है। हजारों की संख्या में माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देने उधम सिंह नगर से हम लोग सचिवालय देहरादून पहुंचे हैं। अभी मुख्यमंत्री से हमारी बात हुई, मुलाकात हुई है। उन्होंने जो कलंकित शब्द था जो पूर्व पाकिस्तानी, उसको हटाने की घोषणा किया। घोषणा में उन्होंने विधिवत तरीके से कैबिनेट में ला के आश्वासन आदेश ला दिया है। आज के बाद कलंकित शब्द बंगाली समाज के लिए नहीं लिखा जाएगा। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी का और पूरे बंगाली समाज का, सारा जीवन आभारी रहेंगे सर। आज इतनी खुशी हो रही है, 50 साल से जो हमारे प्रमाण पत्र में लिख दिया जाता उससे जो है हमें निको बंगाली समाज भारतीय जनता पार्टी का ऋणी है। और मैं इसके लिए माननीय पुष्कर सिंह धामी जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। क्षेत्रीय विधायक सौरभ बहुगुणा जी, अरविंद पांडे जी और सभी हमारे जो ये लोग हैं जिन्होंने इस बारे में संघर्ष किया है, उन सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई और शासन में तुरंत
पुष्कर सिंह धामी जी ने जो है हमारा ये कलंकित शब्द हटा दिया। आज इस कलंकित शब्द से हमारे पूरे शक्ति फार्म क्षेत्र बंगाली समाज को निजात मिला है। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी का विधायक सौरभ बोगुणा जी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ।